नमस्कार, जितेंद्र शर्मा, जेस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हमारी इस सीरीज में अब हम सिडरिंग पब्लिक स्कूल की जो नेक्स्ट थर्ड पोजीशन की जो लड़की हैं उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करती हैं, क्या उनका शेड्यूल रहता है, क्या उनके विचार हैं स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, और अपने स्कूल के प्रति वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती हैं, उनका क्या विचार है, वो सारे हम आज साझा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जीएस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अंकिता। तो अंकिता जी, कितने मार्क्स आपने लिए हैं मैट्रिक में? 551। थर्ड पोजीशन यानी कि राउंड अबाउट 85% आपने अचीव की कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। तो आपका कंपटीशन आपकी फ्रेंड्स के साथ था कुछ मैट्रिक में? बहुत था। अच्छा। In fact, my class के जो स्टूडेंट थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ओह, वेरी गुड। और कंपटीशन ज्यादा था आपका? बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो ये कनिष्क और ये अभिषेक, इनके साथ भी ऐसा कुछ कंपटीशन बना रखा था कोई पहले आपने कि मैंने इनको टॉप करना है, या आपको पहले जानकारी थी कि ये मेरे को भी टॉप कर सकते हैं, था क्या कुछ? था तो था माइंड में, लेकिन ये था कि ज्यादा स्टडी करूंगी तो शायद इनसे टॉप कर जाऊंगी। टॉप कर जाऊंगी। तो कमी कहां रही, कमी क्यों आप 550 बन पे रहे, क्यों थोड़ा आगे मतलब नहीं बढ़ पाए? शायद उन्होंने मुझसे ज्यादा स्टडी की होगी। नहीं, स्टडी तो ज्यादा की होगी तभी आए, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे कौन से जहां आपको लगा कि मैथ थोड़ा वीक था स्टार्टिंग से? तो मैथ को मैंने देखा कि क्लिनिक्स का भी थोड़ा मैथ का उनका इशू था, आपका भी एक मैथ का इशू है, तो इसमें आपको कुछ टीचर्स के साथ पढ़ाई करने में कोई या उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई कमी रह गई हो टीचर्स की तरफ से? नहीं नहीं, टीचर्स तो पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। नहीं, बिल्कुल होती हैं। तो शायद गलती मेरी थी। ये पेपर अटेम्प्ट करने में आपको कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन छूट गए हो? हमने हां, एक्चुअली मैं पहला पेपर मैथ का था, तो एक्चुअली सीस भी नहीं बता रहे थे जल्दी-जल्दी, तो आधा टाइम तो 10-15 मिनट तो वहीं वेस्ट हो गए थे, तो उसी की वजह से। और कुछ क्वेश्चन थे मैथ में ऐसे जो पता ही नहीं चल रहा था, और वहां के टीचर्स कुछ बोलने लगे थे कि क्या निकालना है, मतलब दिया ही था कुछ, हमारी सीस में ऐसे थे दो तीन क्वेश्चन। मोटिवेशन तो आपको जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम मिलती रहती है? कुछ बता ही नहीं रहे, बोल रहे थे कि पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता, तो उसकी वजह से 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, बाकी कुछ स्पीड की वजह से 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आपको परेशानी हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरे नंबर इसमें कम आए लेकिन मैंने इस तरह से इसको अटेम्प्ट किया था? नहीं, बाकी तो कोई नहीं था, बस मैथ ही था एक। बाकी मतलब बाकी जो जितने भी आपके एग्जाम पेपर थे उसमें आपकी तरफ से ही कोई कमी रह गई, बाकी तो ऑलमोस्ट तो सारा ठीक ही था। हाँ, बाकी तो ठीक ही था, बस मैथ्स का था थोड़ा, एक तो टाइम कम हो गया था, ऊपर से क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। अंकिता जी, क्या आपके पापा जी क्या करते हैं? ड्राइवर हैं, टैक्सी। वेरी गुड। और मम्मी क्या करते हैं? हाउसवाइफ। भैया भी हैं आपके? एट्थ में है। छोटी हैं आपसे, कहीं पढ़ते हैं वो? उनको भी पढ़ाते हो आप? हाँ, तो पढ़ाना तो पढ़ते ही है, सीनियर का कौन होता है, जूनियर को पढ़ाना? हाँ, बड़ी अच्छी बात है, फिर वो तो भाई हैं आपके, उनको तो पढ़ाएंगे आप, वो भी कैसे किस तरह से उनका है सिस्टम पढ़ने का, अच्छे नंबर ले लेते हैं अपने? आपने जो मिस्टेक की है वो आपके जूनियर ना करे, तो उनको क्या है आपकी तरफ से क्या सुजेशन है कि जो आपके जूनियर ना करे? एक तो स्टडी ध्यान से करें, जरूरी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि बच्चा पूरा दिन बैठा रहे बुक्स खोल के, ये इम्पोर्टेंट होता है कि कितना उसके माइंड में जा रहा है, माइंड में जा रहा है, कितना ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, ये नहीं है कि पूरा दिन बस किताब में मुड़ के बैठे रहो, पढ़े पढ़े या ना पढ़े, बस मतलब समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आप कितना टाइम देते हो घर पे पढ़ने के लिए? स्कूल से जाते थे 1-2 घंटे पढ़ते थे, उसके बाद थोड़ी रेस्ट दे देते थे, मतलब कुछ भी खेल लेते थे माइंड फ्रेश करने के लिए। हां, एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद मॉर्निंग में 1-2 घंटे। रात को फिर सोने का टाइम फिक्स रखा हुआ था या 11 PM मतलब सोना 11 बजे सो के फिर सुबह अपने 5 बजे उठ जाना, फिर अपना रिफ्रेश होकर स्टडी भी थोड़ा टाइम देना। तो घर में कुछ काम वाम कुछ काम वगैरह का भी हाथ बटाते हो मम्मा के साथ? हाँ, आज भी मम्मा अकेले हैं तो हेल्प कर देते हैं। तो क्या आप मोटो क्या है आपकी, आप कैरियर किस में आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं? एक्चुअली एम तो डॉक्टर का है। अच्छा। बाकी अब
एम तो डॉक्टर का है, लेकिन नहीं मतलब आप अपने एम को पाने के लिए कितना एफर्ट्स करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने स्टडी करेंगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी टेस्ट क्वालिफाई होंगे। हाँ टेस्ट तो तभी क्वालिफाई होंगे। चलो अच्छी बात है अंकिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेंट्रल पब्लिक स्कूल का जो हमने काफ़ी नाम सुना हुआ है, हमारे नियर अबाउट से वहाँ से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो मैंने ये सोचा था कि पर्सनली मैं सिविल पब्लिक स्कूल में जाकर बच्चों के साथ जो थोड़ा अट्रैक्ट करूँगा, तो मुझे आज मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा अंकिता जी। और कोशिश करूँ कि इस बार प्लस वन में जो आपके जो जो कमियाँ आपको रही हैं मैट्रिक में उनको रिकवर करो, क्योंकि ट्वेल्थ में फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप ये सारी जो रिकवरीज है वो कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।